मंडियों में सोयाबीन की नई फसल की आवक बढ़ रही है, जो कि करीब 2.5 से 3 लाख बोरी की है। इस आवक के बढ़ने से सोयाबीन की कीमतें दबाव में है। सूत्रों का कहना है कि इस बार सोयाबीन की गुणवत्ता भी कहीं बेहतर है। देश में सोयाबीन के तेल रहित खल यानी कि DOC का बाहर से आयात होने से स्थानीय DOC का बाजार मंदा हो गया और इसके निर्यात में होने वाली कमाई भी प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से सोयाबीन दाने की कीमतों पर दबाव है। जानकारों द्वारा अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सोयाबीन का रकबा लगभग पिछले साल के मुकाबले बराबर ही है और उत्पादन भी ठीक ठाक हो सकता है। वहीं अगर सोयाबीन की वास्तविक हालात को देखें तो पता चलता है कि सोयाबीन की फसलें भारी बारिश के चलते इस बार काफ़ी ज़्यादा खराब हुई हैं। पहले बुआई के समय पर्याप्त बारिश नहीं हुई, फिर बारिश में कुछ सुधार हुआ और अब अंत में अत्यधिक बारिश के चलते सोयाबीन की फसल तबाह हो रही है। जिस हिसाब से सोयाबीन की फसलें तबाह हो रही हैं तो ये तय ही है कि सोयाबीन का उत्पादन पहले से कम ही रहने वाला है। चाहे ज़्यादा उत्पादन आंकड़ों की हवाबाजी करके कितनी भी झूठी अफवाह क्यों ना फैलाई जाए, सोयाबीन का उत्पादन कम रहने और डिमांड ज़्यादा होने से इसके आयात होने की भी संभावना बन जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में इसकी किल्लत के चलते इसके तेल का आयात किया जाए, जो कि भारत के लिए काफ़ी फायदे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि भारत खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक देश है और खाद्य तेलों का ज़्यादा आयात होने से इसमें विदेशी मुद्रा भी काफ़ी खर्च होती है। इससे उपभोक्ताओं को सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन की ऊंची कीमतें ही मिलेंगी और कुछ नहीं। लेकिन अगर सरकार सोयाबीन के किसानों का साथ दे, उनको उनकी फसल के उचित दाम दिलवाए, सस्ती खाद और सस्ता बीज उपलब्ध करवाए, तो सोयाबीन बाहर से आयात नहीं करनी पड़ेगी और भारत इसमें आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ भी सकता है। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं सोयाबीन के, उनको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि सरकार आने वाले कई सालों तक इसमें आत्मनिर्भरता हासिल कर पाएगी। सरकार को किसान का साथ देना होगा, तभी यह मुमकिन हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।